स्टूडेंट माई सेल्फ योगेंद्र त्यागी और आज हम क्लास 8th के मैथ में एक्सरसाइज 2.5 ही डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में भी हमने इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज भी कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, आज सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8, 15 ब्रैकेट में देखिए y माइनस 4 माइनस 2 ब्रैकेट y माइनस 9 प्लस 5 y प्लस 6 इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट? अब क्या करना है, इसके बाद ब्रैकेट ओपन करने हैं। ब्रैकेट ओपन करने के लिए जो ब्रैकेट से बाहर हमारे पास नंबर्स हैं, इन नंबर्स का क्या होना है, क्योंकि बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और जब कोई रिलेशन नहीं होता तो इनका ये रिलेशन है देखिए मल्टीप्लाई का। इसका मीनिंग है कि 15 को मल्टीप्लाई आप y से भी करेंगे, 15 को मल्टीप्लाई आप 4 से भी करेंगे और ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो करें स्टार्ट, देखिए 15 into y 15 4 जा 60 माइनस 60, माइनस 2 को y से किया माइनस 2y, माइनस 2 को माइनस 9 से, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है, प्लस, तो प्लस 9 टू जा 18। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट? आप देखिए प्लस 5y, 5 6 जा 30 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं जिनके साथ वेरिएबल है 15y, 2y, 5y, इसको आप इधर ही रखें लेफ्ट की तरफ, और जो कांस्टेंट नंबर हैं, ये देखिए ये कांस्टेंट नंबर, इनको आप राइट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र कर दे। तो देखिए 15y माइनस 2y प्लस 5y इक्वल टू माइनस 60 है, ट्रांसफ़र किया ये प्लस 60 हो गया। यहाँ प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, जिस भी नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं होता वो पॉजिटिव ही होता है। 18 है, इसको यहाँ लाए माइनस 18 माइनस 30। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट? समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देखिए 15y और पॉजिटिव देखिए कितने हो गए स्टूडेंट, यहाँ पर 15y पॉजिटिव है, 5y भी पॉजिटिव है, तो ये हो गए 20y माइनस 2y इक्वल टू 60 माइनस, अब देखिए माइनस 18 माइनस 30 सेम है इनका साइन, तो ये दोनों आपस में सेम साइन वाले आपस में ऐड हो जाएंगे माइनस 48। क्लियर? 20y में से 2y माइनस किया आपने, 18y इक्वल टू 12, देन y इक्वल टू 12/18। अब आपका आंसर आ चुका है y इक्वल टू 12/18। आप चाहें तो अब इसको रिड्यूस कर सकते हैं 6 की टेबल से, 6 टू जा 12, 6 3 जा 18, देन y इक्वल टू 2/3। ये आपका आंसर है स्टूडेंट, दिस इज़ द आंसर। क्लियर? समझ में आ गया स्टूडेंट? अच्छा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाते हैं, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम लीनियर इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 0.25 ब्रैकेट 4f माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0.05 ब्रैकेट 10f माइनस 9। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी यहाँ पर नंबर हैं, इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी हैं, और ब्रैकेट भी यूज़ हो रहा है, तो हमें क्या करना है कि दोनों ही साइड लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन कर लें, और ब्रैकेट के बाहर जो नंबर हैं वो क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे। तो देखिए
0.25 को आपने 4 से किया तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 100। और 100 में 2 प्लेस के बाद जब आप पॉइंट लगा देंगे पीछे से तो 1 ही रह जाएगा वो, तो आप क्या लिख सकते हैं उसको, 1F, ओनली F भी लिख सकते हैं। देखिए ये 25 4 जा 100, अब 100 में आपने 2 प्लेस के बाद पॉइंट लगा दिया तो सिंगल 1 रह गया यहाँ पर, 1F, तो 1F को हम F भी लिख सकते हैं। F माइनस 0.25 को 3 से किया तो 0.75, क्लियर। आप देखिए यहाँ भी हमने मल्टीप्लाई किया, 10 को अगर हम मल्टीप्लाई 0.05 से अगर करते हैं स्टूडेंट तब ये कितना हो जाएगा, 0.05F, क्लियर। माइनस 9 को हम अगर इससे करें तो 95 या 45, डेसिमल 2 प्लेस के बाद है तो यहाँ पर यूज़ हो गया, देखिए, क्लियर। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट डेसिमल में, कोई प्रॉब्लम मल्टीप्लाई में नहीं ना, ठीक है। अब देखिए F और इस 0.5F को भी हम इधर ले आए, अब यहाँ पर है 0.45 और इसको हम इधर ले आए, ट्रांसफ़र किया तो ये निगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 0.75। अब देखिए F में से 0.F कैसे माइनस करें, 0.5F है ये स्टूडेंट, 0.5F। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे करें इसको माइनस, तो F का मतलब है 1F, तो 1 में से 0.5 को माइनस कर दें इस तरह से, देखिए 1 में से आपने 0.5 को माइनस किया, कैरी ले आए, 10 में से 5 गए 5, ये आंसर आ गया, तो यहाँ पर आ गया 0.5F इक्वल टू। अब क्या करें, यहाँ भी देखिए ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो जो ग्रेटर है उसमें से आप इसको माइनस कर दें तो 0.75 में से 0.45 माइनस हो गए, तो कितना बचा यहाँ पर, 0.3, ठीक है, क्योंकि 3 के बाद 0 आएगा स्टूडेंट, और डेसिमल में लास्ट में आप कितनी भी 0 यूज़ कर लें कोई वैल्यू नहीं होती, आप लगाएं तो लगा दें, नहीं लगाना चाहते तो आप हटा दें, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए F इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.5, ये 0.5 यहाँ आ गया, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसलिए डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गए, 3 अपॉन 5, और 3 अपॉन 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 से 3 को डिवाइड करिए 0.6, सो F इक्वल टू 0.6, ये आपका आंसर है, क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। सो स्टूडेंट आज सिर्फ इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे और एक्सरसाइज 2.5 को आप कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।